एक बुरे हादसे में मैम ने अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी भी प्रेशर में कुछ काम करते ना हमें, तो हम वो टाइम तक उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इतनी बड़ी चैलेंज मैंने फेस किया, तो एक चैलेंज क्या चीज़ है मेरे आगे। एक्चुअली अमित, मेरे को जब ये पता चला ना, तो एक बार को तो ना मेरा क्या करें, मेरे को लॉस्ट हो गई। मैं बड़ी फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से थे कि जिन्होंने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। ने एक फीलिंग लिखी जो मेरे को लगता है कि काश मुझे ऋषभ टाइम देता, थोड़ा मुझसे बात होती, तो मैं उसको लास्ट मोमेंट पे क्या बोलती या क्या मैं उसके लिए फीलिंग रखती। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोगों को गीत बहुत पसंद हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पर आप झूम जाते हैं और उनको याद करते हैं जिन्होंने आपके लिए, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। तो आज मेरे साथ वीर नारी हैं, राधा जी। राधा मैम, स्वागत है आपका। जय हिंद। थैंक यू सो मच अमित। और ये जो मुस्कुराता चेहरा है ना, बहुत बड़ा दर्द छुपाए बैठा हुआ है, क्योंकि एक तिथि गुजरी 25 जनवरी 2021, और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा वो फ्लाई कर रहे थे, वो शायद 26 जनवरी की तैयारी 26 जनवरी के लिए पेट्रोलिंग चल रही थी इन बसोली कैंट, पाकिस्तान बॉर्डर लगता है वो। और एक बुरे हादसे में मैम ने अपना बहुत कुछ खो दिया, बल्कि सब कुछ खो दिया। बहुत कुछ क्या, मेरी तो दुनिया ही वो थी। और ये देखिए, जो आप देख रहे हैं मुस्कुराहट, बेसिकली क्या है कि दुनिया को नहीं बताना है हमने क्या दर्द झेला है। तो आज मेरे साथ राधा शर्मा है और बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ जो कि ज़रूरी, क्योंकि आप लोग देखते हैं उनको जो चले जाते हैं और जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी होती है, लेकिन उसके पीछे एक कोई बैठा जो इंतज़ार कर रहा होता है और पूरी ज़िंदगी का इंतज़ार उसके लिए जब छूट जाता है तो क्या फीलिंग होती है। राधा मैम, पहला सवाल ये, जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, मतलब मैं उनमें से थी अमित जिसने कभी कभी किसी लड़के को देख के ये नहीं सोचा कि ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा, है ना। बच्चे आज, मैं ये नहीं कहती कि वो बच्चे गलत हैं, सबकी अपनी परसेप्शंस हैं, सबकी अपनी फीलिंग्स हैं, बट मेरे संस्कार ये थे कि शादी एक ही बार होती है जीवन में, है ना, जीवन साथी भी एक ही होता है, हमारी परवरिश ही ऐसे हुई। तो मेरे को कभी उस तरफ हमारा ट्रैक ही नहीं घूमा कि बॉयफ्रेंड बनाना है या फिर ऐसे टाइम पास करना है। तो अब मैं पढ़ ही रही थी कि मेरी पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, है ना। और मैंने हमेशा से सिर्फ यही प्रेयर की थी कि भाई मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले कि मेरा जो नेचर है कि फन लविंग हूँ मैं, मेरे को इंट्रैक्ट करना बहुत पसंद है, मुझे अपने पूरी जॉइंट फैमिली को इकट्ठे लेके चलना बहुत पसंद है, तो वो रिजर्व ना हो, है ना, वो ऐसा ना हो कि बस एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह बस मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, मेरी पूरी फैमिली को वो फैमिली समझे। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन मेरे हस्बैंड उससे ज़्यादा निकले, तो है ना, तो मेरे को तो एक मेरे सपनों का राजकुमार मिला। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ गुजर जाता है, घटनाएं घटती हैं, फिर वो जख्म भर भी जाते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आपने दोबारा शादी का नहीं, देखो मैं ये नहीं कहती कि दोबारे शादी करना गलत है या लड़कियों को मूव ऑन करने का हक नहीं है, है ना, सबको सब अधिकार है, जिसको जीवन में जैसी इच्छा हो उसको वैसे करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी प्रेशर में कुछ काम करते हैं ना हमें, तो हम वो टाइम तक उसको एंजॉय नहीं कर पाते, राइट। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं किसी के लिए कोई त्याग नहीं कर रही हूँ इस बात के लिए, ठीक है, या मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए ये फील करके इस इतने बड़े डिसीज़न पर आई हूँ। मेरा मानना है कि मेरे को मेरे सपनों का राजकुमार जीवन में एक ही बार मिलना था, वो मिल गया, और मैं आज भी ये फील करती हूँ कि वो मेरे साथ चल रहा है ना, मेरे साथ ही है। हम फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या हुआ, सोल तो एक ही है। इनफैक्ट इंसिडेंट से 2 दिन पहले ही वो मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे जीवन साथी के रूप में मिली, और मैं एक नहीं 7 जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो हो सकता है वो दूसरे बर्थ में मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा। है ना। तो इस जन्म में जो आपके चैलेंजेस हैं अभी, वो क्या हुआ, उसके बाद कैसे जिंदगी बदली, कैसी चीजें चल रही हैं, आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, खास करके वीर नारी अपने आप में एक गर्व की बात है, मतलब बहुत सारी, मतलब रो पड़ते हैं लोग, मैं देख रहा हूँ कि एक
इंसिडेंट अभी आपने हाल ही में देखा होगा कीर्ति चक्र विजेता अंशुमान जी उनकी वाइफ का, वो तो बहुत कुछ बदलता है। तो आपने क्या किया, मतलब जीवन चलता रहे, जीवन आगे बढ़ता रहे, क्या क्या किया है वो जानना चाह रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता कि लोगों की नज़रों में वो कैसे निकल के आएगा कि मैंने क्या किया। बस मुझे लगता है कि इंसान को ना अपनी संतुष्टि होनी चाहिए कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है ना। और मैंने जितना अपने पेरेंट्स से या अपने लॉज से या अपने हस्बैंड से सीखा, बस मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। और सेकेंड थिंग, ऋषभ के जाने के बाद एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, फेड आउट हो गई मैं, है ना, कि शायद मैं चली ही नहीं सकती उसके बिना, मुझे लगता है कि मैं जिंदा भी कैसे हूँ। पर दूसरी बात कि उन्होंने मुझे इतना आध्यात्मिक गीता और उसका ज्ञान दिया कि कर्म हर मनुष्य के अलग है, है ना, हम जो करेंगे वही हम आगे भोगेंगे, है ना। तो हम सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते, तो आपको अपनी सफाई अपने आप देनी होगी भगवान के सामने कि आपने क्या किया। तो मैं ये तो नहीं जस्टिफाई कर सकती कि आपने मुझे इतना बड़ा, मेरा लॉस हो गया था तो मैं इसलिए कुछ कर नहीं पाई, पूरी लाइफ रोती रही, है ना, बच्चे को भी नहीं देखा, उसकी भी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाई। उस बच्चे की क्या गलती जो 5 साल में अपने पिता को खो दे। हम याद करें अपने टाइम को, या उसका नाम पार्थ है और उसके फादर ने ही उसको नाम दिया था पार्थ, क्योंकि वो गीता पढ़ते थे और वो मेरे को एक ही बात बोलते थे कि राधा ये बेटा कुछ अलग कर, मेरा बेटा कुछ अलग करेगा। देन आई सेड कि हर किसी का बाप यही कहता है, सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हमारा बाप भी बोलता होगा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो आई सेड कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इसका पिता हूँ, मुझे ना इसकी आँखों में कुछ चमक दिखती है और मैंने इसका नाम ही इसलिए पार्थ रखा। तो पता नहीं उसको क्या इंट्यूशन होती थी, उसकी इंट्यूशंस भी बड़ी स्ट्रांग होती थी। अभी मैं वो देखती हूँ कि उसने अपने फादर को बहुत कम देखा, 5 साल वो था जब 5 साल का था, पर वो जो उसकी आदतें हैं, वो उसका जो इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल अपने पिताजी पापा के जैसा है। मतलब मेरे को लगता है ऋषभ छोटा होके चल रहा है। तो बिल्कुल मैं ना बस उसको वही है कि हस्बैंड का रोल तो हस्बैंड ही प्ले करता है और सिर्फ एक फिजिकली रिलेशन नहीं होता। मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि मैं उस पे जाना चाह रहा हूँ कि 25 जनवरी को जब इंसिडेंट हुआ, आपको जब पता चला क्या कर रहे थे और कैसे आपने एक्सेप्ट किया, रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली अमित, मेरे को जब ये पता चला ना, तो एक बार को तो ना मेरा मेरे को लॉस्ट हो गई। मैं एक्चुअली उस दिन मेरे लॉज आए थे, एक दिन पहले ही हमें ज्वाइन किया था उन्होंने पठानकोट में। मैंने उनको फोर्स करके मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरा मन नहीं लग रहा है, बिकॉज उस मंथ मेरे साथ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड माई फादर बोथ इन 40 डेज। सो जब मेरे फादर गए तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, बिकॉज मैं अपने घर में पहली लड़की थी जिसको इतना इंडिपेंडेंट बनाया गया था, ड्राइव करना सिखाया, क्वाइट कॉलेज में पढ़ाया, पूरी इंडिपेंडेंसी दी गई, लेकिन हमने भी उस बात का ध्यान रखा कि हम मिसयूज़ ना करें, है ना। तो ऋषभ ने उनके लास्ट मोमेंट में उनके लिए जो किया, वो मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती, कोई बेटा भी नहीं करेगा ऐसे। वो रोज़ वहाँ जाते थे हॉस्पिटल में, उनको बोलती थी कि कोविड चल रहा है, आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा फौज में जाके, आप मत जाओ, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे घर जा रहे, फैमिली है कर लेगी मैनेज, एक्सटेंडेड फैमिली है, है ना, तो आप क्यों रिस्क में फंस रहे हो। तो ही सेड कि तुम चुप रहो, मेरे पापा नहीं है क्या वो, है ना। तो फिर जब ये इंसिडेंट विल बी हैपेंड, उन्होंने मुझे बोला आप मम्मी के पास रुको कुछ दिन, क्योंकि ये 13 डेज तो हम लोग बात ही नहीं कर पाए थे, ये इंसिडेंट भी सरप्राइजिंगली हुआ। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो चलूँगी साथ में, मैं कभी ना उसके बिना रह ही नहीं पाती थी। स्पेशली मैंने कहा अब तो मेरे से ना मुझे घुटन हो रही है इस जगह से, मेरे को दिल्ली में ही नहीं रहना। तो मैं फोर्सफुली चली गई ऋषभ के साथ, एंड आई फील सो लकी कि अच्छा हुआ कि मैं चली गई, वरना तो अगर ये इंसिडेंट मेरे एब्सेंस में होता तो शायद मैं ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट में रह जाती, है ना। तो जब ये इंसिडेंट हुआ 25 जनवरी, नाइट फ्लाइंग थी ऋषभ की, एक दिन पहले ही मेरे लॉस ने हम लोगों को ज्वाइन किया, एंड उस दिन वो लोग हम क्वारंटीन ख़त्म करके घर में शिफ्ट हुए थे। तो
मेरे जनरली क्या था कि जिस दिन पापा मम्मी आते थे तो ऋषभ घर जल्दी आते थे और हम सब लोग इकट्ठे लंच करते थे। उस दिन उनकी कमिटमेंट दिन में भी थी तो वो फ्लाइंग कर रहे थे, 3 बज गए। मैंने उनको कॉल किया यार कि आपने तो बताया था कि आपकी नाइट फ्लाइंग भी है। ही सेड यस। तो मैंने कहा फिर अभी तो आप आए भी नहीं हो, खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, फिर तभी तो नाइट फ्लाइंग होगी। बिकॉज कुछ गैप होता था इन लोगों की फ्लाइंग के बीच में ना, SOPs के हिसाब से। तो फिर वो आए 3 o'clock और पता नहीं somehow मेरी मदर इन लोग मेरे को कह रही है कि तू बार बार खाना बना रही है, एक ही बार बना के रख दे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक ही बार वो रोटी खाता है, वो भी मैं उसको ऐसे खिला दूँ। तो मैंने मतलब एकदम उनको गरम गरम खाना खिलाया और उसने बहुत इंजॉय किया। उनकी पसंद का खाना, उनको राजमा बहुत पसंद था, उस दिन लकीली राजमा बना था। और वो खाए जा रहा है रोटी, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बस 5 रोटी हो चुकी है। अच्छा। तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा, अभी मैं फील करती हूँ कि मैंने उसे क्यों रोका, बट आई थॉट कि भाई फ्लाइंग करनी है उसको उसके बाद, है ना, तो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, अभी तो ये टेस्ट में खाए जा रहे हैं। तो मैंने 6 चपाती के बाद उनको रोक दिया कि अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या, तुम खाए जा रहे हो। एंड ही इंजॉयड फूड। फिर उसके बाद जनरली वो खाना खाने के बाद लंच टाइम में मम्मी से बात करते थे कि क्या चल रहा है घर में, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि यार आज तो मेरी नाइट फ्लाइंग भी है, फ्री होके कल छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो बस अपना वो जब सुबह फ्लैग हो जाएगा होस्ट, फिर उसके बाद तो हम फ्री हैं, तब हम बैठ के बात करेंगे। तो बस वो थोड़ी देर के हाफ एन आवर के लिए उन्होंने नैप ली और 5 o'clock उनकी नाइट ब्रीफिंग थी। तो ब्रीफिंग के लिए वो मुझे बोल के सोए थे कि मुझे ब्रीफिंग में उठा देना और ऐसे ऐसे ब्रीफिंग है। तो उसको ना टाइम के बहुत, मतलब हर ऑफिसर पंचुअल होते हैं, नो डाउट, आर्मी मैन इज़ फेमस फॉर देयर पंचुअलिटी, है ना, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है उनके लोगों की लाइफ में। तो ऋषभ को क्या होता था कि 10 मिनट पहले टाइम से वहाँ पहुँचना है, तो मुझे जूनियर्स कंप्लेन भी करते थे कि मैम ये टाइम से भी पहले आ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जूनियर्स मतलब जब सीनियर से पहले जूनियर्स को वहाँ पहुँचना होता है ना, ये ड्रिल है। तो मैं कहती थी यार इसका कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही रहेंगे। तो खैर 5 बजने वाले थे, मेरा मन ही नहीं करा कि मैं उसको उठा दूँ। फिर समा मुझे लगा कि अब तो डांट पड़ेगी अगर नहीं उठाया, तो मैंने उनको उठाया तो ही लिटरली मतलब शाउट की यार तूने मुझे उठाया नहीं, मेरी ब्रीफिंग का टाइम में 10 मिनट रह गए हैं। वो बड़ी जल्दी जल्दी हरी में उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी एंड अपनी मदर के मतलब फुट्स के पास बैठ के वो शूज़ पहन रहे थे और बोल रहे थे कि मैं आके बात करते हैं ये वो करके। एंड मेरे को मेरे रूम में आके, मैं उस दिन मतलब लो फील कर रही थी, तो मुझे रूम में आके बोल के गया कि आज तुम सिर्फ पुलाव बना लेना, कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप थकी हुई हो। तो मैंने बोला ठीक है, बस मैंने वही बनाया और सडनली हाँ वो लोग वो चले गए। एंड मैं कभी उनको पीछे से टोकती नहीं थी या पूछती नहीं थी। न्यूज़ आई थी सेम डे, 2 घंटे बाद ही न्यूज़ आ गई थी। तो क्या कहते हैं, मैं कभी उन्हें टोकती नहीं थी, बट सम हाउ लेकिन मेरे को कुछ नेगेटिव भी फील नहीं हो रहा था। मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि जाना ज़रूरी है क्या भाई, 10 मतलब हाफ एन आवर की सॉटी है आई थिंक जो प्लान था उनका। तो मैंने कहा यार तुम फ्लाइट कमांडर हो, कोई और कर लेगा उस सॉटी को, डिसीजन तो तुम लोगे। तो ही सेड एंड ही लाफ की अरे वाह क्या मुद्दा दिया है, कि क्या एक्सक्यूज़ दूंगा मैं कि मेरे घर में पेरेंट्स आए हैं इसलिए मैं नहीं आया सॉटी करने, मेरे जूनियर्स मुझसे क्या सीखेंगे। शॉर्टी बोले तो छोटी राइड। हाँ सॉर्टी मतलब फ्लाइट। हाँ मतलब छोटा फ्लाइट। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सॉर्टी फ्लाइंग करने को बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सॉर्टी उड़ना मतलब फ्लाइंग करना। ओके ओके। तो मैंने कहा ये भी बात सही है, मेरी तुमने मेरे को इनलाइटन किया। तो फिर ऐसे ही बस टाइम निकल रहा था, मैंने पुलाव बनाया, मम्मी मेरी मदर इन लॉ घर पे थे, उन्होंने पूजा की। मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला कि देखो मम्मा आवाज़ नहीं आ रही है, हेप्टर की फ्लाइंग बंद हो चुकी है। मैं उनको अमित पहचान जाती थी जब वो फ्लाई करते थे। अच्छा। तो मुझे पता चल जाता था कि ऋषभ कौन से हेप्टर में है।
ठीक है, मैं इतनी यूज टू हो गई थी उस रोटर की, उस हैप्टर की वॉइस की, कि हम अंदर से बैठ के बता देते थे कि चीता उड़ रहा है, चेतक उड़ रहा है, रुद्रा उड़ रहा है या ध्रुव उड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहते हैं, मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मा देखो अभी फ्लाई करने उड़ गए हैं। फिर जैसे आवाज़ बंद हुई तो मैंने बोला, क्योंकि सर्किट लेते थे वो लोग ऊपर ना, और सब फ्लाइंग बंद हो गई। तो मैंने उनको बोला देखो फ्लाइंग बंद हो गई है, पर अभी भी देखना ऑफिस जाएंगे ये, और जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक घर नहीं आएंगे। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहा है अब देखना। इतने में मेरी मदर इन लॉ ने आरती ली हुई थी, पूजा करने वो जा रही थी, बेल बजती है हमारी, और लेडीज़ मतलब ऑफिसर्स वाइफ सब एक एक करके घर में एंटर करने लगती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरे फादर की वजह से मुझे मिलने आई हैं, बिकॉज़ आफ्टर इंसिडेंट हम लोग मिल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, हम क्वारंटीन थे, तो दिमाग ही नहीं गया उन सब चीज़ों, वो आए जा रही हैं, सारा पूरा घर मेरा भर गया। तो मेरी मतलब मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही हूँ, याद डिटेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे बोला किसने, बट किसी लेडी ने मुझे ये बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, और वो डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया ऐसे ऐसे हो गया है करके। तो मैं भी ऐसे सोच रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ उस बात को ना कि ठीक है हो गया तो क्या हुआ, मतलब इतनी बड़ी मिस हैपनिंग तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और उस ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हम देख सकते हैं। कभी मैंने कभी सोचा कि वर्स्ट होगा तो मैंने हमेशा यही थॉट रखा कि पहले मैं जाऊंगी, है ना। तो फिर लेकिन खैर उन्होंने मेरे इन लॉज को कन्वे किया और घर का माहौल ख़राब हुआ, और पर फिर भी मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई इस बात की। मतलब वो लोग मुझे बोलने लगे कि चलो तुम्हें दिखा देते हैं ये वो, मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, मैंने उसको अपनी आंखों में वैसे बसाया है कि वो मुझे हंसते हुए बाय करके गए, ठीक है ना, मेरे लिए वो हंसता ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बस लोग कुछ बोले जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दुनिया में हुई ही नहीं, मेरी आंखें खुली हैं पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि लोग बोल क्या रहे हैं, आगे होने क्या वाला है मेरे साथ, है ना। तो ऐसी पूरी रात निकल गई, लोग मेरा कभी बीपी चेक कर रहे हैं, कभी कुछ चेक, मतलब मेरे मेडिकल चेकअप्स होने लग गए कि इसको कोई शॉक ना आ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। समहाउ उसकी जो एनर्जी थी ना वो उसने मुझे खड़ा रखा। तो बस फिर हम नेक्स्ट डे एयरफोर्स के थ्रू हमें भेजा गया दिल्ली, बिकॉज वो फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा था तो रोड सारी ब्लॉक थी, 26 जनवरी थी। तो मैं वही सोच रही थी कि कहते हैं ना लीजेंस नेवर डाई, तो उसने देखो अपना दिन लेजेंड का दिन चुना, है ना, कि वो रैप होके आया तो वो 26 जनवरी को होके आया। इतना बड़ा दिन था, जब हम वहाँ लैंड किए तो उसके सारे कोर्समेट वहाँ लाइन अप थे एयरपोर्ट पे, एंड एवरीबडी क्राइड एंड सेड कि हमेशा से हीरो रहा है तो हीरो की तरह ही गया है, तो इसने हमें यहाँ भी बीट कर दिया। तो पर चले जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो दो दिन कैसे निकले, और आज भी मेरे को यही लगता है कि नहीं वो वाला टाइम मैं याद ही नहीं करना चाहती कि हुआ क्या। अच्छा, इस टाइम के बाद में जो हुआ आपने एक्सेप्ट किया, बहादुरी से खड़े रहे, तो जो सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का वो आपको पूरा मिला, क्योंकि यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है, न्यूज़ चल गई, लोगों ने आँखें नम की, थोड़ा सा याद किया फिर भूल गए, लेकिन इसके बाद जो चैलेंजेस आपने फेस किए, जैसे कि सपोर्ट होता है गवर्नमेंट वाला, उसके बाद में कहीं पर आप तकलीफ हुई, या लगता है कि जैसे सरकारें दिखाती हैं, लोग नेता लोग दिखाते हैं, वही सब कुछ रियल में मिल जाता है उनकी फैमिलीज को? देखो अमित, अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की और कंपनसेशन की, तो आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं बड़ी फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से थे कि जिन्होंने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना। एक आर्मी एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस कि जहाँ लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी सिंपैथी रखते हैं, और उन लोगों ने मुझे कभी ऐसे फील नहीं कराया कि मैं अब हेल्पलेस हो गई हूँ, है ना। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, चाहे उनके कोर्समेट्स हैं चाहे उनके सीनियर्स हैं, कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम और अच्छा करोगे मैम, आई नो कि हमें कोई डाउट ही नहीं है आपके ऊपर, है ना। और आर्मी के हर बेनिफिट्स और हर चीज़ क्लियरेंस अपने आप हुए,
विद इन 2-3 मंथ्स में मेरे सारे सेटलमेंट्स हो गए थे, ठीक है, आर्मी की तरफ से जो भी क्लेम्स आने थे, जो भी उसका फंड इकट्ठा होना था, है ना, तो वो सब कुछ ऑन टाइम हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बहुत लिटरली बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अच्छा है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट में मेरे हस्बैंड को स्टेट ऑनर दिया गया। हाँ, हमारे MP वहाँ अवेलेबल थे उनकी लास्ट राइड पे रीडलिंग के लिए, और वो रेड कारपेट पे गया एकदम किंग की तरह, है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी का ऑनर मिला उसको, मिलिट्री का ऑनर मिला, तो बड़ी सारी वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुई, जो कि खैर मैं तो वहाँ अवेलेबल नहीं थी और ना ही मैंने वो सुनी, बट मेरे को उनके कोर्समेट्स ने आके ये सब बातें बोली। तब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या होता है, तब तो पिक्चर ही कुछ और थी, ब्लैंक थी मैं। बट धीरे धीरे उस मोड में भी आना ही था, अपने आप को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हम क्या आगे कर सकते हैं, है ना। तो फंड तो एक बार को क्लियर हो गए, जो कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट से मुझे मिलना था वो मेरे फादर इन लॉ ने मतलब भाग दौड़ करके सब मैनेज कर लिया। बट अब 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को गए हुए अमित, बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर माई जॉब। जिस चीज़ के लिए मैं ऑथराइज्ड हूँ, जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी वीर नारीज को सेम प्रोफेशन में सेम स्टेट में जॉब दी गई हैं, ऐसा नहीं मैंने कोई नई न्यू डिमांड करी है या फिर मैं कोई न्यू पॉलिसी के साथ आ रही हूँ, है ना। तो सेम पार्टी है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ सेम है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डिले क्यों हो रहा है। तो सम टाइम तो आई लूज माई होप, बट फिर मैं खड़ी होती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी बड़ी चैलेंज मैंने फेस किया, तो एक चैलेंज क्या चीज़ है मेरे आगे, है ना। तो लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी, या तो आप लोग वीर परिवार को कोई दिलासा मत दो, जिससे कि वो अपने दर्द में ही चाहे वो छोटा काम करे कर ले, और दो तो उसको पूरा करो, है ना। तो अब बार बार मेरे फादर इन लॉ किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं या मैं किसी ब्यूरोक्रेट के सामने खड़ी होती हूँ, तो कितना मतलब अनफेयर है कि हमने अपना सब कुछ दे दिया, है ना, फिर भी हमें अपने ऑथराइज चीज के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। तो मतलब ये शिकायत छोड़ दी। हाँ, दिस इज माई मतलब ये बहुत वर्स्ट है। अच्छा देखो, मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, मतलब मुझे चीज़ें पता हैं कि कैसे करनी है, क्या पॉलिसीज़ होती है। मेरे फादर इन लॉ मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर हैं, तो वो लेटर बनाते रहते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़, हमारी जवानों की फैमिलीज़, उनकी परिवार तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उनकी तो वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, अब तो चलो हो रही हैं, बट फिर भी, है ना, तो उनको तो बेचारों को पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई कहाँ से लड़नी है, कैसे लड़नी है। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी कंट्री से, अपनी स्टेट से, कि प्लीज़ आप फेक कॉल किसी परिवार को ना दें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप लिटरली चाहते हैं कि हमारे सोल्जर्स इस नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को श्योरिटी तो आप दे सकते हैं ना, कि वो थोड़ा अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट डाल के वो कुछ और उसमें अच्छा कर सके, है ना। तो लाइफ तो स्टॉप नहीं होती, हमारे स्ट्रगल्स हैं ये सब चीज़ें, लेकिन कंपनसेशन तो इनफ नहीं है ना, तो मेरी ये है ना कि अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। हाँ, तो कुछ तो मुझे भी प्रूव करना है। तो मेरा मिशन था कि अगर मेरे को ये जॉब मिल जाती है, तो मैं फर्दर उसके एग्जाम्स दूंगी, प्रमोशंस लूंगी, और जितना ज्यादा मतलब जिंदगी चलती रहेगी वीर नारी की, मेरे बच्चे के लिए वो प्राउड मोमेंट्स बरकरार रहे, उसको ऐसे ना लगे कि उसका फादर एविएटर था, इतनी पोस्ट पे था, उसने इतनी बड़ी चीज खोई और उसकी मदर कुछ नहीं कर पा रही है। तो अब मैं बच्चे को ये तो बता नहीं सकती कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, डेजिग्नेशन तो चाहिए ना मुझे कहीं ना कहीं। राधा, मैं एक ये और जानना चाहूँगा कि अभी आप कारगिल जा रहे हो मेरे साथ, तो पूरा कुछ ऐसा कर रहे हो, मतलब आप जुड़ गए हो कि चलो अब यही करना है, इसी में जुटे रहना है, मोटिवेट करना है लोगों को भी, नारियों को थोड़ा और प्रोत्साहित करना है। देखो, मेरा मानना है अमित कि मैं हर वीर नारी, जितने भी हमारे आम में हमारे, देखो जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ ना, तब तक लिटरली मतलब आई फील वेरी बैड कि तब तक मैंने भी वो पेंस उस तरीके से नहीं लिया,
है ना, तो जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई देन आई रियलाइज एंड मैंने अपने आप को कोसा कि ऐसा थोड़ी है कि आज ही शादत तो ये इससे पहले भी हुई ना, तब तो तेरे को नहीं रियलाइज हुआ कि लोगों ने क्या खोया है ना। तो जब खुद पे बीती तब लगा कि यार कैसे परिवार ख़त्म हो जाता है और क्या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमने तो कभी अपने लेफ्ट राइट देखा ही नहीं है ना, बस अपनी फैमिली अपना परिवार अपना बच्चा उसी में लगे रह गए। हाँ तो आप पूछ रहे थे कि अमित की हम कारगिल जा रहे हैं, आपके मन में ये कैसे आया कि आपको कारगिल जाना है? तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा हम लोग ये सोचते थे कि हम कारगिल जब जाएंगे जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो हमारा क्या होता था ना, लेह में हमारी स्क्वाडन है तो एक पोस्टिंग फील्ड और एक पीस ऐसे एक होता ही है रोटेशन में। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे यार अब अलग से क्यों घूमने जाए, हमारी तो पोस्टिंग आएगी वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये भी बात सही, एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। तो ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आ नहीं पाई, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था है ना, और हमने फील्ड काटी पर वो हमने असम में काटी। तो ये ले वाला जो स्ट्रेच था वो मेरा अभी तक मिसिंग था और मैं चाहती थी मैं ये देखूं कि हमारे हीरोज़ ने कहाँ लड़ाई लड़ी और कैसे वो लड़े है ना। तो मेरे अंदर ये हमेशा से रहता था और ये मेरा ड्रीम था कि मैं कभी तो वहाँ जाऊँगी और इसको फील करूँगी। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई जो कि मुझे वीना ने जो फौजियाना की फाउंडर है उसने दी और उसने मुझे बोला ऐसे ऐसे मिसेस शर्मा ऐसे जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था टाइम निकालना क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। बट फिर मैंने ये सोचा कि नहीं राधा ये जो कॉन्वॉय चलेगा और जो ये बैच जा रहा है ना कारगिल वॉर हीरोज़ का हो चाहे ऑटो कार का हो चाहे ये इंडिया मोटर स्पोर्ट क्लब का हो, ये सारे ही बड़े अलाइट लोग हैं मीडिया पर्सनल्स हो, तो इनके साथ जो तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा ना वो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ये हिम्मत जुटाई कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं इस कॉन्वॉय के साथ जाऊंगी, मैं ड्राइव भी करूंगी और मैं अपने हीरोज़ को वहीं जाके सल्यूट करूंगी। और मुझे ये मौका मिला और ऑन द ओकेजन ऑफ कारगिल वॉर कम्प्लीटिंग 25 ईयर्स बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है हमारे भारतवासियों के लिए। और मैं चाहे वीर नारी हूँ पर मैं हर वो हीरोज को सल्यूट करती हूँ और मैं हर एक इंसान सिविलियन हो चाहे फौजियों का सेक्रीफाइस समझती हूँ, उनकी फैमिली पे क्या बीतती है। तो बस मैं अपने वीर हीरोज को सल्यूट करने के लिए वहाँ अपने कॉन्वॉय के साथ निकल रही हूँ। कुछ लिखा है आप, कुछ लिखते हो बता रहे हैं? हाँ। तो सुना दो फिर हम। लिखा तो क्या है, मैंने अपनी एक फीलिंग लिखी जो मेरे को लगता है कि काश मुझे ऋषभ टाइम देता, थोड़ा मुझसे बात होती तो मैं उसको लास्ट मोमेंट पे क्या बोलती या क्या मैं उसके लिए फीलिंग रखती। तो मैं यही सोच रही थी कि एक दिन मैंने बैठ के ये लिखा कि काश आज तुम मेरे सामने फिर अपनी ड्रेस पहनकर मुस्कुराते हुए आ जाओ और बोलो कि राधा मुझे फिर से इवनिंग फ्लाइट में जाना है, तुम्हारे साथ कब सुबह और कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, तुम्हारा इंतज़ार करवा कर घर लौटना मुझे एक सुकून देता था, तुम्हारा साथ था तो मानो मुझे इस दुनिया की हर खुशी में मेरा मैं मेरी इस पूरी दुनिया मेरे साथ चल रही हो, मैंने तुम्हें हर तुम्हारे साथ के अलावा भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा था, दौलत का तो मुझे कभी गुमान ही नहीं था, तुम बोलते रहे हमेशा मुझे कि राधा की तुम अपनी विश पूरी करो, तुम स्किल वाली हो तुम कुछ करो, तो हमें हमेशा यही सोचती थी कि मेरे लिए मेरी जन्नत सिर्फ तुम ही हो। और मेरे को ये विश्वास था कि मेरे सामने कभी ऐसा धोखा तुम मुझे नहीं दोगे, पर मुझे लगता है कि भगवान कम से कम मुझे इतना मौका तो देता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रार्थना कर पाती। बहुत अच्छी लाइन लिखी है लेकिन ये बहुत द्रवित करने वाली करुणा वाली लाइन से राधा, देखो आपके दुख को हम साझा कर सकते हैं सिर्फ वो मतलब उसको हम कैसे मतलब आपने जो आपके ऊपर बीती है, पर मुझे लगता है ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वीर नारी क्या होती है, क्योंकि जो एक फौजी होता है उसके पीछे उसका परिवार होता है, तो वो तो सीमा पर लड़ रहा होता है देश के लिए,
कुछ कर गुजरता है, लेकिन जो घर में बैठा होता है उसके बाद उस पर क्या आती है इससे पता चलता है। तो इनसे मिलके मुझे राधा जी से सच में वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि कैसा फील हुआ है, लेकिन राधा जी ने हिम्मत जुटाई है। कारगिल रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं जो कि कारगिल वॉर को 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है और ऐसे हीरोज हमारे देश में हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। पर हम बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि और कोई कुर्बानी हमें ना देनी पड़े, सब सलामत रहे और किसी की शहादत अब ना हो और सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने घर में सेफ रहें। जय हिंद। जय हिंद भाई बनता है, लेकिन सब सेफ रहें। और बस एक गुजारिश रहेगी सरकार से, राज्य सरकार से, छोटी सी विश जो उन्होंने खुद कमिट की थी वो जरूर पूरी कर दे राधा मैम। हाँ जी बिल्कुल, जरूर सुनेंगे आपकी बात। मैं यही कोशिश, बस ये गुजारिश है मेरी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट ऐसे वीर परिवारों को अब और ना भटकाएं, है ना। अब मैं तो फिर भी लड़ाई लड़ सकती हूँ, पर हमारे और भाई बहन हैं जिनको यही नहीं पता कि लड़ाई लड़नी कहाँ है जाके। तो कम से कम आप इतना इंश्योर करें कि उनकी फैमिली एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रह सके, वो जो अपने इमोशन है उनको साथ साथ ये वाला स्ट्रगल ना फेस करें, है ना। तो दोस्तों आपको राधा मैम की बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी बहुत सारी वीर नारियों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जो उन्होंने सहा है ना और जो देश को दिया है उसका कोई भी मोल नहीं है, अनमोल है। और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।